नहीं सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, ग्रेटिट्यूड टू ऑल कि आप सबने इस प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किया। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड आई फील ब्लेस्ड कि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं साझा कर सकती हूँ, जो आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जो आप लोगों को हेल्प करे आगे अपनी लाइफ इम्प्रोवाइज करने में। सो बिफोर वी बिगिन दिस जर्नी, फर्स्ट वील जस्ट इन्वोक द डिवाइन एनर्जीज बाय शॉर्ट प्रेयर। हमारे इस एकेडमी की एक छोटी सी यू कैन से रिचुअल है या परंपरा है कि सबसे पहले हम गुरु मंत्र का उच्चारण करते हैं और उसके बाद गायत्री मंत्र का। और आज तो वैसे भी बुद्ध पूर्णिमा है, तो पहले गुरु का आवाहन कर लें, उसके बाद वी बिगिन विद द सेशन, राइट? गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवत्स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओके, सो वी बिगिन विद द सेशन टुडे। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि जैसे ही हम लोग कनेक्ट करते हैं एंड स्पेशली नोइंग द नेम ऑटोमेटिक राइटिंग, तो ऑटोमेटिक राइटिंग से जुड़े हुए बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग देखिए एक ऐसी चीज है जिसमें आप ये नहीं होता कि अपने आप लिखने लग जाते हैं या कुछ, इट इज अगेन एनर्जी ड्रिवन। तो आज जो हम सब इस प्लेटफॉर्म पे एक साथ कनेक्टेड हैं, पहले ये जान लेते हैं कि ये कोर्स में या इस जर्नी में हम क्या क्या कवर करेंगे। ये जर्नी 1 महीने की जर्नी है। 1 महीने की जर्नी यानी कि हमारी क्लासेस ट्यूसडेज और थर्सडेज को होंगी। इट इज 1 महीना हम बोलते हैं, बट वेन वी सी दैट द पार्टिसिपेंट्स आर फेसिंग प्रॉब्लम या प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम है तो हम उसे एक्सटेंड कर देते हैं। तो आप लगा सकते हैं कि 8 से ज्यादा आपके ऑनलाइन सेशंस होंगे। अब ये ऑनलाइन सेशंस क्या हैं और किस लिए हैं, सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इट इज पोर्ट्रेइंग गुरुजी ज्ञान एंड ऑकल्ट साइंसेस अकेडमिया। दिस इज एन अकेडमी विच वॉज स्टार्टेड बाय राजीव सर एंड पूनम मैम। एक बहुत ही अच्छा विजन था कि जो नॉलेज हम लोग खुद जिस नॉलेज के लिए वी हैव टू पे हेफ्टी अमाउंट्स और कई बार नहीं भी हो पाता है, हम मिस कर जाते हैं हैविंग द कैपेसिटी हैविंग द केपेबिलिटी। तो विजन क्या था कि हम उस नॉलेज को स्प्रेड करेंगे अमंग मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल एंड विथ नॉमिनल चार्जेस। सो दैट इज व्हाट वी बीन कीपिंग अप विथ। 2 साल से ऊपर हो गया है इसको रन करते हुए एंड सक्सेसफुली द फैमिली हैज ग्रोन बिगर एंड बिगर। सो इट इज ऑल द लव दैट यू पार्टिसिपेंट्स हैव शेयर्ड, ऑल योर ब्लेसिंग्स दैट वी आर ग्रोइंग ईच डे एंड ईच मोमेंट। अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑटोमेटिक राइटिंग, तो सबसे पहले ये बता दूं कि हम इसमें क्या-क्या कवर करेंगे।
एंड दिस होल थिंग, दिस जर्नी वुड बी टेकन अहेड बाय माई सेल्फ. मेरा नाम शिल्पी शर्मा है एंड आई हैव अ वेरी गुड हैंड एट टैरो एज सेड बाय पीपल. एंड टैरो में भी डिफरेंट डेक्स आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, मेडिटेटिव टेक्निक्स एंड डिफरेंट मोडालिटीज, जिसमें से ऑटोमेटिक राइटिंग एक मोडालिटी है. तो हम इस जर्नी में ऑटोमेटिक राइटिंग के लिए जुड़े हैं. नाउ कमिंग टू द कोर्स कंटेंट, तो ऑटोमेटिक राइटिंग बेसिकली है क्या? ये एक तरीका है जवाब ढूंढने का उन सोर्सेस से जो कि हम अदरवाइज नहीं देख पाते, जैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड से. अब आप कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड से या हायर सेल्फ से जवाब क्यों ढूंढने हैं? रीजन बीइंग कि जो आपके दिमाग में चीजें हैं वो अभी सिर्फ आपकी इस लाइफ से रिलेटेड हैं, आपके कॉन्शियस माइंड ने जो बताई हैं. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर सबकॉन्शियस सेल्फ, तो वो जर्नी है जो आपके सोल ने ट्रैवल की है सिंस डिफरेंट एजेस. तो कई बातों के जवाब आपको उसके थ्रू मिल जाते हैं. यहाँ पे जो सिंपल टेक्निक हम यूज करते हैं, दैट इज पेपर एंड पेन टेक्निक. रेखा जी, आई विल बी टेकिंग अप द क्वेश्चंस. थोड़ा सा मैं ये कोर्स का इंट्रोडक्शन दे दूं एंड देन आई विल टेक अप योर क्वेश्चन, राइट? तो पेपर और पेन जब हम लेते हैं, वी आर नॉट राइटिंग इन अ कॉन्शियस स्टेट. एक मेडिटेटिव स्टेट में होते हैं. दोज मेडिटेशंस वुड बी गाइडेड बाय मी एंड आपको उस स्टेट में ले जाके विजुअलाइज करवा के, वेर इन यू एक्चुअली सरेंडर योर आर्म, या आप अपने आर्म को डिवाइन एनर्जीज को या हायर सेल्फ को देते हैं, और उससे जो सिंबल्स, जो लेटर्स, जो फॉर्मेशन होती हैं, उनको इंटरप्रेट करना इज द आर्ट दैट वील बी कवरिंग. अब इसमें अगर हम नॉलेज के टर्म्स में देखें कि क्या क्या हम सीखने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू लर्न द बेनिफिट्स ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग. हमें क्यों सीखनी चाहिए, ये कैसे काम करता है. फिर ऑटोमेटिक राइटिंग को लेके बहुत सारे मिथ्स भी हैं, तो उन सारे सवालों के जवाब. फिर कौन से क्वेश्चंस हम आंसर्स सीख कर सकते हैं थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग. ऑटोमेटिक राइटिंग एंड ऑकल्ट साइंसेस, क्या रिलेशन है? दिस ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न. एंड देन किनको आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया ऑटोमेटिक राइटिंग? ऐसे कौन से सिंबल्स हैं कि आप किसी गलत एनर्जी के कनेक्ट में आ गए या कांटेक्ट में आ गए, आपको कैसे पता चलेगा? तो वो आइडेंटिफाई करना. फिर पहले स्टार्ट करने से पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है, दैट इज प्रोटेक्शन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो प्रोटेक्शन आप कैसे सीख करेंगे, आप कौन सी टेक्निक फॉलो करेंगे कि आप प्रोटेक्टेड रहें? अपनी खुद की सेक्रेट स्पेस क्रिएट करना फॉर ऑटोमेटिक राइटिंग, क्योंकि यहाँ हम डील करेंगे अपने डिवाइन एनर्जीज से और हायर सेल्फ से. देन मेडिटेशंस, जिसमें आपके चक्रा क्लेंजिंग भी हो जाएंगे, क्योंकि जब तक हम अपनी वाइब्रेशन हाई रेज नहीं कर पाएंगे, तब तक हम ऑटोमेटिक राइटिंग नहीं कर पाएंगे सक्सेसफुली. फिर डिटेल्ड स्टेप्स एंड सक्सेसफुल राइटिंग कैसे होती है वो हम जानेंगे. देन वील ऑल्सो लर्न टू इंटरप्रेट राइटिंग, के कौन से सिंबल्स बने हैं, क्या नंबर्स बने हैं, कौन सी लैंग्वेज बनी है. तो उन चीजों को करना हम इसमें सीखेंगे. लैंग्वेज ऑब्वियसली, अगर कोई किसी फॉरेन लैंग्वेज में लिख रहा है, सपोज इफ समबडी इज राइटिंग इन पर्शियन, अरबिक या कोई और लैंग्वेज जो नहीं समझ पाते, तो उस चीज का सोल्यूशन उस पर्टिक्युलर लिंग्विस्टिक डीलर से ही आपका हो पाएगा. लेकिन हाँ, अगर आपने कुछ सिंबॉलिक बनाया है, कुछ नंबर फॉर्मेशन है, कुछ अल्फाबेट फॉर्मेशन है, तो उस चीज को हम प्रैक्टिकल सेशंस में ही डील करते हैं, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट वील बी कवरिंग.
एंड वी हैव अ लॉट मेनी प्रैक्टिकल सेशंस, क्योंकि थियोरेटिकल सेशंस हार्डली आपके एक या दो होंगे. उसके बाद से वील बी मोर इन टू मेडिटेटिव स्टेट्स एंड फाइंडिंग आंसर्स टू योर क्वेश्चंस, राइट? तो ये पूरा इस जर्नी का एक क्रक्स है दैट आई वॉन्टेड टू शेयर विथ यू कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे. रेखा जी, नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन. मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे पीडीएफ अभी हमें मिलेगा या हमें ये स्क्रीनशॉट ही लेके रखना पड़ेगा, बस यही पूछना चाह रही थी. ओके, एज फार एज क्लासेस आर कंसर्न, तो आपको क्लासेस की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं सारी, और उसके अलावा आपको पीडीएफ नोट्स शेयर किए जाते हैं. और जो प्रैक्टिकल सेशन जैसे हम करेंगे तो वन टू वन करेंगे या खुद अपने लिए भी किया जा सकता है? देखिए, जो हम सेशंस करेंगे तो जितने लोग कनेक्टेड होंगे प्लेटफॉर्म पे जिस समय अवेलेबल होंगे वो हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे, और इसमें फिर इसके बाद आप लोग जैसे खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस दौरान आपने कुछ ऐसा लिखा है कि आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा, सो दैट आई कैन हेल्प यू विथ. सपोज जैसे आपने बोला कि हाई एनर्जी की जरूरत पड़ती है, अगर हम नहीं पूरी तरह से उसको कवर कर पाए तो क्या हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे सेशंस चलते रहते हैं तो, या फिर देखिए, रिकॉर्डिंग से ही रिकॉर्डिंग? इनिशियल स्टेजेस क्या रहेंगी कि आपकी पहले जो रहेगी दैट विल बी फोकस्ड ऑन योर चक्रास, कि आपके चक्रास क्या है, कैसे इन्हें क्लेंस किया जाता है. फिर हम इसके थियोरेटिकल सेशन के साथ साथ हम मेडिटेशन स्टार्ट कर देते हैं, और पहले मेडिटेशन में ये नहीं होता कि डे वन में आप पहुंच गए सेक्रेट स्पेस पे, नहीं. पहले बिल्कुल जो मेडिटेशंस होंगे आपके खुद के क्लेंजिंग के मेडिटेशन होंगे, चक्रा क्लेंजिंग के. उसके बाद मेडिटेशन होगा टू प्रोटेक्ट एंड शील्ड योर सेल्फ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना प्रोटेक्शन के आप नहीं कर पाएंगे. फिर अगर आप बिना प्रोटेक्शन के करने की कोशिश भी करते हैं तो ज्यादातर लोगों की हेल्थ अफेक्ट होती है, सो विच इज अगेन वन थिंग विच वी डोंट वॉन्ट. सो वील बी गोइंग अहेड विद द सीरीज स्टेप वाइज, तो एक एक ठीक है. स्टेप करके हम चलते जाएंगे. तो पहले तो यही होगा ना कि हाँ सेल्फ क्लीनिंग ही मतलब होगी, उसके बाद ही हम आगे कुछ जी, कर पाएंगे. ओके ठीक बिल्कुल. है, ठीक है, थैंक यू. तरुण जी, आपका क्वेश्चन. यस, गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम, एक्चुअली मैंने आपके कोर्स ऑलरेडी अभी लिया था. उस पर मेरे को वीडियोस मिले थे 20-25 दिन पहले. वो सारे वीडियोस देखने के बाद मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग स्टार्ट कर दी थी करने के लिए उससे. अब इसमें मेरे साथ एक चैलेंज ये आ रहा है कि मैं मेडिटेटिव स्टेट में भी चला जाता हूँ. जैसे जैसे आपने स्टेप बाय स्टेप सब बताया है वैसे वैसे करता हूँ. नाउ जब मैं उस लिखना शुरू करता हूँ कुछ भी, या मैं अपने गार्जियन एंजल से या डिवाइन एनर्जी से कोई भी मैसेजेस लेने की कोशिश करता हूँ, तो जब वो मैसेजेस आते हैं वो वर्ड्स में नहीं आ रहे हैं, वो लेटर वर्ड्स में नहीं आते हैं, वो पिक्चर बन जाती है पूरी, एक एक इमेजेस बन जाती है पूरी पेपर पे. अब उस इमेज को समझना कि वो इमेज से क्या मैसेजेस मुझे मिल रहा है, मुझे वो नहीं समझ में आ रहा है. और इफ यू हाँ, वॉन्ट आई तो कैन वो शो हम यू दो तीन पिक्चर अभी, अगर इफ यू कैन लेट मी नो, बिकॉज एवरी टाइम आई यस आस्क श्योर. वही पिक्चर बने जा रही है. आपको दिखाता हूँ, हाँ, देर तो आर, यू कैन शेयर द पिक्चर. हाँ आई एम शेयरिंग इट राइट नाउ. इसी कुछ ग्रुप राइट, देर आर फाइव इमेजेस. मैं आपको शेयर करूँ वन बाय वन, जो मेरे को एक दो दिन 3 दिन जब भी मैंने प्रैक्टिस किया तो ये इमेजेस बनी थी. ओके, तो आप शेयर कीजिए. जी, मैंने डाल दिया इस ग्रुप पे जिसपे ये लिंक अभी आया था. हम्म,
अभी तो रिसीव नहीं हुआ है। चलिए, जब तक रिसीव हो रहा है तो तब तक आई विल जस्ट आस्क द आई विल टेक द क्वेश्चंस ऑफ अदर पीपल आल्सो, क्योंकि अभी तक तो नहीं आया है मेरे पास। कौन से आपको किस पे ये जो जिसका लिंक आया था ज्वाइन करने का, इसी पे भेजना है? वेट, आई विल जस्ट मैम शेयर द डिटेल्स, तो आप उधर पिक्स आ भेज गई दीजिए। हैं, मैम आ गई होंगी मैम, मेरे यहाँ से तो चली गई आ हैं, गई दे है, रहा हूँ। ग्रुप में पिक्स दिख रही है। एक्चुअली ग्रुप में, हाँ ग्रुप में आई होगी, तो आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ द ग्रुप एज ऑफ नाउ। वेयर टू सेंड? आई कैन सेंड यू वहाँ पे। आप यहाँ पे नहीं दिखा सकते कैमरा ऑन करके? हाँ, यू कैन शो इट ऑन द कैमरा, दैट विल बी हेल्पफुल। लेट मी शो देम। क्योंकि दैट विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। देन यहाँ पे एक्चुअली नहीं नॉट दिख एबल पाएगा टू मैम आपको, सी। यहाँ पे आपको नहीं दिख पाएगा। आपने जिस भी नोटबुक वगैरह पे बनाया है, इफ यू कुड हाईलाइट दैट, वी कुड सी द इमेजेस। तो दिस इज द फर्स्ट वन, फर्स्ट डे पे जब मैं, व्हेन आई आस्क ना कि व्हाट इज द मैसेज फॉर मी टुडे, तो दिस पिक्चर केम इन। आई थिंक दिस इज माता काली, इफ यू सी द फेस हियर, अ हाँ, लेडी विद टंग आउट। ओके, इवन जो ऊपर आपने बट बनाया है, आंखें वगैरह भी बनाई हैं, वो उनके शक्तिपीठ का ही पूरा वो आ रहा है, जो इमेज आ रही है। आपने कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि आप कहीं माता के किसी सिद्ध स्थान पे या शक्तिपीठ पे गए हो, या कभी आपने ऐसा कुछ बोला हो कि यू आर गोइंग टू विजिट एंड यू कुडंट? नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दैट। एंड सी नाउ थर्ड डे आई मेड दिस अगेन हाँ, तो अगेन सी व्हाट इज एंड देन हैपनिंग इज कि आपको जो कॉल रिसीव हो रहा है, वो आपको रिसीव हो रहा है माँ काली की ओर से, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। अगर आपके घर के आसपास कोई माँ काली का मंदिर है, कोई वर्शिप प्लेस है, तो आई वुड प्रेफर कि आप वहां पे एक बारी विजिट करके आए। यस, आई गॉट इट। एंड वन मोर थिंग, मैं एक्चुअली ऑटोमेटिक राइटिंग से ना ये जानना चाह रहा था कि मैम इनके लिए और क्या मंदिर जाके मैं क्या करूँ। आई मीन यू नो, अगर टेक्स्ट में होता जैसे कि हाँ ये चढ़ाना है, या प्रसाद में ये देना, या कोई मेरे से भूल हुई हो। एंड सी दिस इज अगेन आई येस्टरडे ओनली आई ये आया बन के। यू नो देर इज कुछ, कोई गॉडेस है जो किसी सवारी पे, आई थिंक हाँ, नीचे, आई डोंट नो, तो डॉग है या समथिंग ना ये। और मेरा, मेरी पिक्चर यहीं देखिए टक गई है। देखिए, जो नीचे आया है वाहन जो बना हुआ आया है, दैट इज ऑफ अ डॉग, है ना? और डॉग किसका वाहन है? डॉग वाहन कार है भरा भरा भैरव जी मुझे। का। हाँ, हाँ काल कार भैरव भरा जी भैरव जी, का। तो इस केस में आप जिन एनर्जीज से कनेक्ट हो रहे हैं, वो एनर्जीज माँ काली और काल भैरव जी की है। तो आपने ओके क्या ओके। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ मांगा हो, कुछ आपने प्रार्थना की हो, एंड देन यू कुडंट डू द सेम, नहीं क्योंकि नहीं मैंने मांगा गाइडेंस कुछ नहीं आपके है। लिए? मेरे को ना एक्चुअली बचपन से भैरव जी के लिए बड़ा अट्रैक्शन होता है, बहुत अट्रैक्शन होता है मेरे लिए। और माता काली को मैंने अभी 1-1.5 साल से ही थोड़ा सा पूजना शुरू किया है, तो ये है। तो देखिए, आप वहां जाइए, आप जो भी आपके नियरेस्ट टेम्पल हैं, काल भैरव जी पे तो आपको पता ही है कि क्या चढ़ेगा, वहां पे तो लिकर का ही चढ़ता है, जो प्रसाद चढ़ता है। और माँ काली के वहां पे आप जाएं तो आप श्रृंगार दें उनके चरणों में, और आप चाहें तो आप नींबू भी ले जा सकते हैं, बिकॉज नींबू क्या करता है, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी को रिवर्स कर देता है। और अगर राइट आपने राइट, जी देखा होगा, उनको नींबू का हार चढ़ाया जाता है, जी 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 राइट।
तो आप वो चढ़ा सकते हैं। तो अगर कोई भी नेगेटिव चीज हो रही होगी जो आपकी लाइफ से रिलेटेड है, तो हाँ, वो देर इज चीज समथिंग, रिवर्स हो जाएगी। हाँ, क्योंकि वो या आपकी ऑरा में आई एम एबल टू फील, मतलब द मोमेंट यू हैड पुट ऑन द कैमरा, आपकी राइटिंग्स में आपको सारे सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। जो आप कर रहे हैं ना, जो आपकी स्केचिंग आ रही है, वो आपको सॉल्यूशंस दे रही है। एंड अदरवाइज बहुत ज्यादा स्ट्रेस और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। जी, हाँ वो तो सब तो चलिए, पर मैं सोल्यूशन ही पूछ रहा था एक्चुअली. जब मैं ऑटोमेटिक राइटिंग, दैट इज द रीजन आई गॉट इन टू दिस, कि चलो ऑटोमेटिक राइटिंग की मैंने बहुत सारा मतलब रेकी भी ट्राई किया, क्रिस्टल वगैरह सब कुछ सीखा हुआ है. सो मैंने कहा चलो इसके थ्रू शायद हम मुझे सोल्यूशन मिल जाए. तो आई एम गेटिंग द मैसेजेस एग्जैक्टली, बट थोड़ा सा होता है ना कि मैं उसको अभी इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा ढंग से कि क्या है. नहीं, देखिए बिल्कुल क्लियर इमेजेस आ रही हैं। और दूसरी चीज़ आई वुड रिकमेंड कि जब आप जाएं भी किसी भी पूजा या श्रद्धा स्थल पे जाएं, तो पूरे सरेंडर मोड पे जाएं, वेर इन यू आर नॉट आस्किंग द डिवाइन फॉर एनी स्क्रिप्ट। मतलब आप अपनी स्क्रिप्ट नहीं दे रहे हैं कि आपका ये काम बन जाए, ये ऐसे हो जाए, नहीं। आप पूरे सरेंडर मोड पे जाएं कि जब वो आपको इतना मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वो आपको अपने पास बुला रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो कुछ आपके लिए बड़ा सोच रहे हैं। सो यू नीड टू हैव दैट पेशेंस आल्सो। अच्छा, और एक और चीज थी, जैसे अब हमने आप सीख तो लिया ये, अब बीच बीच में जब हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें फिर यू नो वी नीड सम आपकी गाइडेंस चाहिए, या कोई हो जो हमारे इमेजेस या बिल्कुल हमारे मैसेजेस को. तो अब मैं कैसे करूंगा, बिकॉज अभी तक तो मैंने रिकॉर्डिंग वीडियोस देखे थे, अब आपने आप मैं. जैसे रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्डेड आपने देखे थे, अब आप लाइव सेशन का हिस्सा होंगे, तो ऑब्वियसली लाइव सेशन में वी आर गोइंग ऑन स्टेप बाय स्टेप। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लाइव सेशन में ज्वाइन करें, जो भी ठीक आप उस समय कर रहे हैं। बिकॉज होता क्या है, जब एनर्जीज कनेक्ट होती हैं, तो आई एम एक्चुअली एबल टू फील द एनर्जीज ऑफ एवरीबडी हु इज कनेक्टेड। तो मुझे पता चल जाता है कि आप उस समय किस दौर में हैं, किस जोन में हैं, और आप क्या सीख कर रहे हैं। तो इट इज ईजियर फॉर मी टू इंटरप्रेट। जैसे अभी आपका बस कैमरा ऑन होने से आई कुड जस्ट गेट योर ऑरा सेंसेस। तो ये ठीक चीजें है. होती हैं जब आप कनेक्ट होते हैं ना सेम प्लेटफॉर्म पे, तो वो एनर्जीज हम लोग फील कर पाते हैं। राइट, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर हेल्प. थैंक यू। ओके, ये आईफोन के नाम से किसी ने हैंड रेज किया है, प्लीज आई वुड लाइक टू नो योर नेम एज वेल। हेलो, नमस्कार हाँ जी, मैम, मैं परेश बात कर रहा हूँ मुंबई से, और मैं ये 2-3 साल हाँ जी, से ऑटोमेटिक प्रैक्टिस करता हूँ बाय प्रोफेशन. एंड इसमें ओके मुझे okay. दिखते हैं, मैं सुनाई देता हूँ, राइटिंग भी करता हूँ, और क्लाइंट्स के लिए भी करता हूँ, खुद के लिए भी करता हूँ. तो मुझे ऐसा इसमें सीखना है कि इसमें और कोई लेवल होती है इसके ऊपर, लाइक 1 लेवल, लेवल 2, लेवल 3, ऐसा कुछ होता है इसमें? इट इज एक्चुअली ऑटोमेटिक राइटिंग में लेवल्स नहीं होते। जैसे जैसे आप ट्रांस स्टेट में जाते जाते हैं, आप चीजों को इंटरप्रेट करना सीख जाते हैं, उतना ही डीप रूटेड आपकी एनर्जीज होती चली जाती हैं। एंड अच्छा, इट इज लाइक आप कौन से एनर्जीज से कनेक्ट करते हैं। जैसे आपने मेंशन किया आप दूसरों के लिए भी करते हैं, तो एक तो होता है व्हेन यू आर कनेक्टिंग ओनली विद द डिवाइन एनर्जीज, लाइक वी डू, वी कनेक्ट विद एंजल्स एंड डिवाइन एनर्जीज। तो वो हम लोग उसी जोन में चलते हैं। वी डोंट इवन रिक्वेस्ट अदर पीपल कि आप दूसरे वर्ल्ड में कनेक्ट करें, नहीं, क्योंकि उसमें कई बारी चांसेस होते हैं कि आप किसी नेगेटिव एनर्जी को एनकाउंटर करेंगे। तो अभी उस चीज के लिए तैयार होने में टाइम लगता है। ओके. बिकॉज जनरली मैं जहाँ पे भी जाता हूँ विजिट के लिए, तो वहाँ पे स्पिरिट्स इन्वोक हो जाते हैं. एंड मुझे इसमें ना थोड़ा सा और डेप्थ में जाना, कि मैं उनको और तरीके से अच्छे से देख पाऊँ. मुझे दिखाते भी है, नाम भी बताते हैं, चीजें भी बताते हैं, और मैं क्लाइंट के साथ वो काफी रेजोनेंट हो जाते हैं. तो वो जैसे पूछते, तूने एक्यूरेट नाम कैसे बताए, लाइक तो मुझे वो जो बता रहे हैं, मुझे वो दिखाई दे रहे हैं, चीजें दिखाई दे रहे हैं उनके, तो वो सब मुझे बता रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा उसमें और एक्यूरेसी करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे ये सी अभी वेस्टर्न एक्यूरेसी कंट्रीज में. एक्यूरेसी से इट वुड एनहांस विथ योर प्रैक्टिस इटसेल्फ
एंड दूसरी चीज दैट आई वुड लाइक टू रिकमेंड यू, सिंस यू आर ऑलरेडी इन टू दिस, यू हैव टू कीप अ वेरी फर्म दिस थिंग टू ब्लॉक योर एनर्जीज एज वेल, बिकॉज अदरवाइज देखिए पता नहीं रहता, कई बारी ये एनर्जीज काफी हैवी हो जाते हैं. हाँ, होता है कभी कभी होता है, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं तो भी थोड़ा सा वो कैरी होता है साथ में, तो वी डू सी हाँ. इन सॉल्ट पास से कर लेते हैं। तो ये वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे होता है कि शोज करते हैं, यू नो लाइव जाते हैं, और यू नो दे गेट मोर क्लैरिटी की वो और एनहांस होता है, तो उसके लिए और कुछ इसमें लेवल है सीखने के लिए। मेरी प्रैक्टिस तो रोज होती है, मेरे गुरु कोई और है, और मेरा अभी जैसे एक चैनलिंग ही चल रहा था, और पता नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि ये इसके लिए ऑटो राइटिंग के लिए, और सडनली आई जस्ट गेट इनटू दिस यू नो दिस लाइव वेबिनार, तो एक मुझे गाइडेंस थ्रू ही मैं अभी इसमें भी आया, तो मुझे ये पूछना था आपको ऐसे, तो उसको हम लोग कैसे एनहांस कर सकते हैं। देखिए एनहांस का मैं फिर से वही चीज बोलूंगी कि ये एनहांस आपके प्रैक्टिस के साथ होता जाता है. इसमें ओके okay. लेवल्स क्या है कि हम सेफर जोन में जब जाते हैं तो वी टेक इन जी द सेक्रेट स्पेस एंड देन वी क्रिएट द प्रोटेक्शन वाया आर एंजल्स एंड गाइड्स, राइट. उसके बाद फिर इसको और हम कैसे बढ़ाते जाते हैं, इसमें हम और इसको बड़ा करते चले जाते हैं कि अभी हम सिर्फ सेक्रेट स्पेस तक जा रहे थे, नाउ वी हैव द केपेबिलिटी दैट वी कैन मूव टू द अदर जोन्स ऑल्सो. और कई बार क्या होता है, जब आप विजिट्स पे जाते हैं तो यू आर ऑन सच प्लेसेस वेयर बाय यू आर एबल टू सी एंड फील द एंटिटीज अराउंड यू. आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर. सो वी आर नॉट टेकिंग दैट जोन एज ऑफ नाउ, वी आर टेकिंग द सेफर जोन एज ऑफ नाउ फॉर दिस 1 month, बिकॉज लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल्स आर रिक्वायर्ड टू रीच टू द जोन वेर यू आर ऑलरेडी, सो दैट इज नॉट पॉसिबल विद इन अ मंथ. मगर ये नेक्स्ट होगा तो मैं वो नेक्स्ट में ज्वाइन कर सकता हूँ, श्योर यू कैन. और मैं नो वेर यू रिसाइड इन मुंबई और लाइक विच स्टेट ऑफ इंडिया, विच पार्ट ऑफ कंट्री। आई एम इन दिल्ली एनसीआर, सो वेन अच्छा एवर ओके यू हैव, ओके यू आर इन मुंबई, राइट. या मुंबई मुंबई ओके तो ये तो ऑफलाइन कोर्सेज वही भी होते हैं? ऑफलाइन होते हैं. ऑफलाइन में तो वो अपने सामने ही आपको ले जाएंगे ट्रांस स्टेट पे, वेर इन यू विल एक्चुअली डू इट अंडर गाइडेंस. ओके कूल, सो मैं आई बी मोर लाइक हैप्पी टू हैव बीन ऑफलाइन कोर्स। So I'll let you know. और मुंबई में अगर कोई ऐसा हो रहा होगा, I'll surely let you know. प्लीज लेट So मी you नो, can प्लीज लेट just मी ping. नो। Yeah. श्योर श्योर, प्लेजर मीटिंग यू, थैंक यू Same थैंक here. Thank यू थैंक यू, you. ग्रेटिट्यूड। Okay, पायल जी, या आपका, हाँ जी. हेलो मैम. मैम एक्चुअली हेलो. ना आई वाज लाइक एक्साइटेड बहुत पहले से इस ऑटोमेटिक राइटिंग में. मुझे ये लग रहा है ओके कि अगर हमारी जैसे थर्ड आई नहीं ओपन हुई है पर फिर भी हम ये चीज कर सकते हैं, या वहां तक अपनी हेल्प और किसी की हेल्प कर सकते हैं. मेरा बहुत मन था कि ये हो जाए अगर मुझसे हो सके. देखिए इसमें जो हम लोग करते हैं, जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी इनिशियल लेवल, जहाँ ये मान के चलते हैं कि वील बी ग्रोइंग टुगेदर. तो यहाँ पे क्या है कि क्यों मैं आप लोगों से बार बार बोल रही हूँ कि वील स्टार्ट विद द चक्रा एनहांसमेंट, बिकॉज कोई भी चक्रा अगर आपका ब्लॉक्ड होगा तो दैट विल अफेक्ट योर प्रोग्रेस. और जहाँ हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते हैं तो वी एंश्योर कि थर्ड आई ओपनिंग इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट हम उस स्टेट ऑफ मेडिटेशन में जा पाए जहाँ पे हम अपनी सेक्रेट स्पेस में एंटर कर पाए. और सेक्रेट स्पेस एक्चुअली होता क्या है कि हमने जो भी डिवाइन की कल्पना अपने मन में की है, अभी जब हमने स्टार्ट किया था तो वी हैड कनेक्टेड, तो वहां हमने देखा कि सर ने पूरा माँ काली का और भैरव जी का बना रखा था, तो वो उनकी कल्पना है.
उन्होंने जहां से वो जुड़ते हैं, जिस डिवाइन सोर्स से जुड़ते हैं, वो माँ काली का स्वरूप है और भैरव जी का स्वरूप है। ऐसे ही हर किसी के लिए अलग स्वरूप होता है। कोई भगवान श्री राम को मानता है, कोई माँ दुर्गा को मानता है, कोई किसी को मानता है। तो हम जब अपनी सेक्रेट स्पेस क्रिएट करते हैं, हम उसमें जाते हैं, तो हम पहला आवाहन उन्हीं का करते हैं। उसका एक रीजन है, ऑल ऑफ अस आर इन अ फैमिली, वी आर लिविंग इन अ फैमिली। तो कोई भी ऐसी चीज जो हमारे लिए या हमारे परिवार के लिए थोड़ा सा भी रिस्क फैक्टर क्रिएट करती है, हम उसे नहीं लेते इस पार्ट में। सो दैट इज व्हाई आई टोल्ड के बहुत ही सेफ जोन में हम जाते हैं। हम कहाँ कनेक्ट करेंगे? हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, और उनके थ्रू हम अपने एंजल्स और गाइड से कनेक्ट करके वी ड्रॉ मैसेजेस। अब ये मैसेजेस क्या होते हैं कि कई बारी आप जैसे पिक्टोरियल फॉर्म में, जैसे अभी हमने देखा लाइव क्लास में, वैसे आ जाते हैं। कई बारी अलग अलग अक्षरों के फॉर्म में आते हैं, कई बारी लाइंस डॉट्स इनके फॉर्म में आते हैं। तो इनको हम कैसे इंटरप्रेट करेंगे, क्या हम समझेंगे, वो भी वील बी कवरिंग अप विद इन द सेशन इटसेल्फ। राइट। तो मैम ये आपके राइट कोर्स में आप ऑनलाइन हाँ जी, कोर्स में ये मैम ऑनलाइन ऑनलाइन ही रिकॉर्डिंग तो होगा, नहीं होगी? ओके इसकी रिकॉर्डिंग शेयर की जाएगी आप लोगों के साथ। ओके ओके जैसे अभी भी ओके जो सेशन चल रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर की जाएगी फॉर योर फर्दर रेफरेंस। राइट। राइट, ओके। शशि जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मतलब सेफ होगा ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? जैसे कि मैंने बुक पढ़ा हुआ है एकदम की जीवात्मा जगत के नियम, मैं पढ़ रही थी उसको, तो उसमें उसी उसी बुक को पढ़ के मैं काफी ये इंस्पायर हुई, तो मैंने ये कोर्स किया, मतलब कोर्स के लिए अप्लाई किया। तो मैम ये बिल्कुल सेफ होगा ना? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? देखिए, मैं पहले भी करा चुकी हूँ, पहले भी हम लोगों ने यही सब स्टेप्स फॉलो किए थे और पार्टिसिपेंट्स ने काफी अच्छा रिस्पांस भी दिया था। दे बिगैन राइटिंग और एकदम क्लियर लेटर्स आने लग गए थे, इतना रिफाइनमेंट हो गया था। सो दे वर एबल टू ड्रॉ मैसेजेस जो उनको गाइड कर सके या उनकी फैमिली को गाइडेंस दे सके, तो वो चीजें हैं। बाकी हाँ, अगर आप पैरेलल वर्ल्ड में किसी सोल से या किसी डिसीज से कनेक्ट करने की सोच रहे हैं, देन आई मस्ट टेल यू कि ये वो जगह नहीं है, बिकॉज यहाँ पे हम डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, एंजल से कनेक्ट करेंगे, उनके थ्रू हम मैसेजेस लेंगे। सी एक चीज हमें समझनी होती है कि जब कोई सोल डिपार्ट होता है, अगर हम बार बार उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं या बार बार हम उनको बुलाने की कोशिश करते हैं या बार बार उनके लिए चैनल बनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो ट्रांजिट नहीं हो पाते लाइट में, अर्थ बाउंड हो जाते हैं वो। और कई बारी उन सोल्स की जो मेमोरी होती है वो उतनी होती नहीं कि वो आपको रिकग्नाइज भी कर पाए, तो वहां पे प्रॉब्लम आती है। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट डीलिंग इन दैट। व्हाट वी आर डीलिंग इन इज कि आप जिस डिवाइन स्वरूप को मानते हैं, हम उनसे कनेक्ट करेंगे, हम उनकी सेक्रेट स्पेस बनाएंगे जिसमें हम पूजा भी वहीं पे करेंगे और वहीं से हम जवाब लेंगे, वहीं से गाइडेंस लेंगे। जी मैम, राइट ओके। हाँ जी, कीर्ति जी, कीर्ति जी आपने हैंड हेलो रेस किया। हाँ जी कीर्ति जी, मैम, मेरा ये कहना है कि ये मतलब प्योर सोल वाली पूरी चीज है ना, या इसमें ब्लैक हाँ जी, वाला मतलब नहीं कैन यू ऐसा अंडरस्टैंड? कुछ। आई कैन अंडरस्टैंड कम्प्लीटली, तभी मैंने ये हाँ चीज बहुत क्लेरिफाई कर दी है और एकदम क्लियरली मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि वी आर नॉट डीलिंग इन दैट। हम जिन एनर्जीज में डील कर रहे हैं, हम उसी के बारे में बात करेंगे। ओके, मतलब कहीं ऐसा कुछ तो नहीं कि हम जब मेडिटेशन कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं तो कोई गलत चीज हमारे पास आ जाए गलती से, या कुछ ऐसा हो नहीं जाए? ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं बनेगी ना कभी? नहीं नहीं
वो चीजें नहीं रहेंगी। इसी के रीजन के लिए वी कीप प्रोटेक्शन इन टू माइंड और उसको हम लोग ज्यादा वेटेज देते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा डर सिर्फ इसी चीज का है कि हम प्योरिटी की तरफ जाना चाह रहे हैं और पता चला कुछ गलत नहीं, जाने अनजाने हमारे हमने अट्रैक्ट कर लिया, ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं होगी ना उसमें। ओके नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं होगा। रेखा जी, आपके फादर इन लॉ के सोल से तो हम नहीं कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन हाँ ये जरूर है कि वी कैन फाइंड आंसर या सल्यूशन वाया एंजल्स और डिवाइन, राइट? सो दैट वुड क्योंकि मुझे वर्क। काफी काफी इश्यूज आ रहे हैं, तो इस वजह से मैं ऐसा चाह रही थी कि मुझे लगा ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मैंने भी पढ़ी थी जीवात्मा जगत के नियम, तो मुझे लगा कि ऐसा निकिता कुछ। जी, आप उससे बेफिक्र रहिए। निकिता जी, आप बेशक से अटेंड करके देख लीजिए एक दो सेशंस। अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो यू कैन ऑलवेज एनरोल फॉर अदर कोर्स। ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मेडिटेशंस ऐसे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो मैंने आपको कोर्स का कंटेंट भी दिखाया है, आई हैड शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे भी तो अपनी सेक्रेट स्पेस करने का है, चक्रा क्लेंजिंग का है, ऑटोमेटिक राइटिंग करने का विद द हेल्प ऑफ योर एंजल्स एंड योर गाइड्स। मैम हाँ जी, कैन आई से समथिंग? श्योर सर, प्लीज। मुझे मुझे सबको बताना है, तो मैं अभी मैम से पहले बार मिला हूँ, आप सबको भी पहले बार मिल रहा हूँ, और मैं गए 2 से 3 साल से ऑटो राइटिंग प्रैक्टिस करता हूँ। ये काफी सेफ है, आप प्रॉपर गाइडेंस से जाएंगे, आपकी जो टीचर्स है उन्होंने जो टाइमिंग्स बताए वो फॉलो करोगे, तो ये पूरा सेफ है। तो ऐसा कुछ डरने जैसा नहीं है, मेरे घर पे भी फैमिली है, और मैं जहाँ पे भी जाता हूँ विजिट करने के लिए ऑटो राइटिंग के लिए, तो वहाँ पे भी बच्चे होते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं। यू हैव टू जस्ट इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, और ये काफी सेफ है, मुझे इतना ही बताना था। थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग, माय प्लेजर, माय प्लेजर, क्योंकि ग्रेटिट्यूड। मैम हाँ जी, मैम वन मोर थिंग, लाइक इफ वी वांट टू गो फर्दर इन डेप्थ विद यू, तो वो अलग से भी हम कर सकते हैं आपके साथ, जैसे कि हाँ जी, वो अलग आप, से फुल कनेक्शन, डिफरेंट कनेक्शंस, इफ ये हाँ तो जी, इंडिविजुअल वांट्स है, लाइक नहीं डर नहीं लगता हाँ जैसे हाँ मैम। ओके एग्जैक्टली। सी, इट इज इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जैसा यस मैंने पहले भी यस कहा कि सारे लोगों को मिथ्स हैं, तो हम उन मिथ्स को दूर करते हैं, और राइट ऐसा नहीं है, मैं खुद भी प्रैक्टिस करती हूँ, दैट इज द रीजन व्हाई आई एम हियर, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए तो मैं खुद नहीं करा सकती। तो आई डोंट फाइंड एनी प्रॉब्लम विथ इट, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट, और कहीं पे भी, बिकॉज इवन आई हैव अ फैमिली लाइफ, आई ऑल्सो हैव किड्स टू लुक आफ्टर, तो कहीं पे भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी, राइट? बस ओनली वी हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टेप्स दैट हैव बीन इंस्ट्रक्टेड। हर चीज हम स्टेप वाइज करेंगे, हम प्रैक्टिकली इसीलिए करते हैं ताकि आप लोगों को पूरी नॉलेज हो कि कैसे हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे हम मेडिटेट करते हैं, कैसे हम उस स्टेट में जाते हैं, राइट? तो जब आप स्टेप वाइज ये चीजें करेंगे तो आप खुद ही इसके यूज्ड टू हो जाएंगे। ओके, मैम इसकी क्लासेस नाउ डेली रहेंगी? इसकी हफ्ते में 2 क्लासेस रहेंगी। यस, यू कैन टेक डेली मैसेजेस थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग, इवन आई प्रेफर यूजिंग टैरो या कभी रून्स यूज कर लेती हूँ, डिपेंडिंग ऑन वॉट आई एम गाइडेड टूवर्ड्स। तो जो भी आपको उस समय आपकी इंट्यूशन कहती है, आप वो ऑटोमेटिकली पिक करते हो, दैट बिकम्स अ हैबिट लेटर ऑन। तो कई बारी जैसे मैं ऑटोमेटिक राइटिंग कर रही हूँ, तो बाई डिफॉल्ट आई डोंट नो वाई, बट माई हैंड इट टेंड्स टू गो टूवर्ड्स ईदर रून्स और माई डेक्स, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट, आई डोंट माइंड डूइंग इट, बट देन ईच स्टेप हैज टू बी फॉलोड वेरी केयरफुली। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ऑटोमेटिक राइटिंग है क्या। सो आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन।
राइट, सो दैट यू हैव एन आइडिया. ओके, नाउ कंटेंट्स वी हैड ऑलरेडी कवर्ड, सो आई वोंट बी रिपीटिंग द सेम. देखिए यहाँ पे भी इट इज क्लियरली मेंशन, पहले आपकी प्रोटेक्शन इम्पॉर्टेंट है, सेक्रेट स्पेस क्रिएट करेंगे, हायर एनर्जीज से कनेक्ट करेंगे. राइट, नाउ कमिंग टू द डिटेल्स, ऑटोमेटिक राइटिंग है क्या? ऑटोमेटिक राइटिंग वो आर्ट है जिसमें हम कनेक्ट करते हैं दूसरे इंटेलिजेंसी से, जहां पेंसिल, पेन या पेपर को यूज करते हैं एक मेडिटेटिव स्टेट में. जो लोग इस आर्ट को परफॉर्म कर रहे होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, दे होल्ड अ राइटिंग टूल एंड अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर. और वो क्या करते हैं, अपने दिमाग को सबसे पहले हमें क्लियर करना होता है, क्योंकि होता क्या है, हम डे टू डे लाइफ में इतनी चीजें एनकाउंटर करते हैं दैट वी टेंड टू क्रिएट आर थॉट्स एंड स्ट्रेस एज द प्रायोरिटी. तो इन चीजों को समझना होता है और अपने माइंड को बिल्कुल ब्लैंक कर लीजिए, नहीं तो आपकी जो राइटिंग होगी वो बायस्ड हो जाएगी. फिर उसके बाद आप खुद को एक चैनल की तरह स्वीकार करेंगे, एंड देन यू सरेंडर टू द डिवाइन एनर्जीज टू टेक ओवर, या आपके हायर सेल्फ को. इस राइटिंग को ऑटोमेटिक राइटिंग कहते हैं. आप एक्चुअली जैसे रेडियो की हम फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं ना, वैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं उन एनर्जीज से जहां से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं. और उसमें कई बारी हमें अक्षरों का ज्ञान नहीं होता, कई बारी लैंग्वेज कम्स आउट डिफरेंटली, द राइटिंग कम्स आउट डिफरेंटली. सो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्योंकि आप एक मेडिटेटिव या ट्रांस स्टेट में होते हैं, तो दैट इज परफेक्टली एक्सेप्टेबल. अब अगर हम देखें कि हिस्ट्री क्या है ऑटोमेटिक राइटिंग की, कहाँ से ये शुरू हुई, जैसे हम देखें ऑटोमेटिक राइटिंग इज रिलेटिवली यंग. अगर आप टैरो या ओरेकल से कंपेयर करो तो ये क्या है, इट इज ड्यू टू द फैक्ट कि कॉमन लिटरेसी बाद में आई. पहले लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज फॉलो करते थे, तभी तो आप देखेंगे कि जितने भी जो प्राचीन मेथड्स हैं, इवन वेस्टर्न मेथड्स ऑफ प्रिडिक्टिव साइंसेस या एनर्जी साइंसेस, दे हैव सिंबल्स. चाहे रूम्स में देख लीजिए, सिंबल्स हैं और एंजेलिक सिंबल्स हैं, देन यू हैव टैरो कार्ड्स, डेक्स, सब में आपको सिंबल्स और कलर्स के कॉम्बिनेशन मिलेंगे, क्योंकि पहले लोग भाषा ही यही समझते थे. उसके बाद जब राइटिंग टेक्निक्स आई, जब भाषा में और थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हुआ, उसके बाद दे स्टार्टेड यूजिंग दिस फिनोमेना ऑफ राइटिंग. नाउ अंटिल द लेट 19th सेंचुरी, द टिपिकल हाउस होल्ड, चाहे आप कितनी भी एडवांस साइड ले लें, वो लोग यूजुअली पेन पेपर नहीं रखते थे, क्योंकि ये माना जाता था कि ये तो सिर्फ लग्जरी हाथों में होता है. रीजन बीइंग, एजुकेशन से रिलेटेड उतनी अवेयरनेस नहीं थी एंड पीपल वर नॉट मच एजुकेटेड. फिर एक रफ एविडेंस है कि ऑटोमेटिक राइटिंग अर्ली 16th सेंचुरी में यूज हुआ था इन द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड्स एलिजाबेथ 1, जिनको बहुत फैसिनेशन था ऑकल्ट साइंसेस से, क्वीन एलिजाबेथ 1 को. लेकिन वो फिर भी उसको सपना समझते थे वहां के लोग, तब ऑकल्ट को कोई समझ ही नहीं पाया और सिंबॉलिक लैंग्वेजेस को भी नहीं समझे, और ना ही डिविनेशन नीड्स को. आज की डेट में आप यही देखिए कि वो सिंबल्स लोगों को कहाँ से रिसीव हुए, दैट वॉज अगेन अ फॉर्म ऑफ दैट राइटिंग पैटर्न ओनली. जैसे अगर मैं जीगू सिंबल्स की बात करूं, तो डेबी को कहाँ रिसीव होते थे, उनको भी ट्रांस स्टेट में एंजल्स आके बताते थे, एंड शी यूज टू ड्रॉ दो सिंबल्स. तो ये क्या है, दिस वॉज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग, लेकिन दैट टाइम इट वॉज नॉट मच नोन, तो लोग इसको अदरवाइज लेते थे. आज की डेट में कई लोग हैं ऐसे जो मिथ्स भी रखते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो क्लैरिटी के साथ इसको करते हैं, एंड देन दे आर एबल टू फॉलो.
ऑटोमेटिक राइटिंग बहुत पॉपुलर नहीं हुई मिड 19th सेंचुरी तक, जब स्पिरिचुअलिज्म थोड़ा सा आगे बढ़ने लगा, मोमेंटम पकड़ने लगा, रफ्तार पकड़ी। फ्रेंच मैजिस्ट्रेट टर्न साइकिक इन्वेस्टिगेटर, उनका नाम था एलेक रेवेल, और वो आए थे उस समय टू द होम ऑफ बोर्डन सिस्टर्स एट द रिक्वेस्ट ऑफ देयर फादर, जिन्होंने ये क्लेम किया था कि ही क्लेम्ड हिज अदरवाइज फ्लाइटी डॉटर्स रेगुलरली रिसीव प्रोफाउंड मैसेजेस थ्रू द यूज ऑफ ऑटोमेटिक राइटिंग। तो उन्हें ऐसा लगता था कि उनकी बेटियों को मैसेजेस मिलते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग के प्रोसेस से। रिवेल जो कि प्रोफेशनल थे और अच्छे खासे साइकिक रिसर्च में ही, वो बहुत इम्प्रेस थे कि इनकी बेटियों को इनसाइट्स मिल रही हैं, नॉलेज मिल रही है, एंड कुछ अदर कॉन्क्रीट आंसर्स भी मिल रहे थे उनको। नाउ द बॉर्डन सिस्टर्स वर नॉट द ओनली वंस प्रोड्यूसिंग हार्ड टू डिसमिस ऑटोमेटिक राइटिंग। अब ऐसे विक्टोरियन पीरियड में भी काफी ऐसे लोग रहे हैं जिनका इंटरेस्ट रहा है साइकिक फील्ड में, और वो भी इस चीज को प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन अर्ली 20th सेंचुरी तक हमें इसके बहुत ज्यादा ट्रेसेस नहीं मिले। आज की डेट में अगर आप देखें तो ऑटोमेटिक राइटिंग आज कैसे ट्रीट की जाती है, इट इज द प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑफ राइटिंग मटेरियल दैट डज नॉट कम फ्रॉम द कॉन्शियस थॉट्स ऑफ द राइटर। इसमें कॉन्शियस थॉट्स नहीं होते राइटर के, इनफैक्ट तभी कहा जाता है कि मेडिटेशन के टाइम पे हमें अपने माइंड को फुली ब्लैंक करना है। वी हैव टू गो ब्लैंक, वी शुडन्ट बी थिंकिंग एनीथिंग, कुछ भी बायस थॉट्स नहीं होने चाहिए, और एकदम रिलैक्स हो जाना है, बिल्कुल रिलैक्स, अपने माइंड को एकदम ईज आउट करके, और तब हम पूरे सरेंडर मोड में अपने राइट आर्म या लेफ्ट आर्म, आप जिससे भी लिखते हैं उसको हम सरेंडर मोड में डिवाइन एनर्जीज को देते हैं, सो दैट दे आर एबल टू कन्वे द मैसेज। अब राइटर का हाथ ये परफॉर्म करता है और इंसान को खुद को अवेयरनेस नहीं होती, एंड दिस हैपेंस बिकॉज इवन आई प्रैक्टिस, तो मुझे खुद को अवेयरनेस नहीं होती दैट व्हाट आई एम राइटिंग। उस पर्टिकुलर टाइम पे मेरा हाथ बस चल रहा होता है, इतना फील होता है, क्योंकि ट्रांस स्टेट में आप होते हैं तो इतना नहीं पता चलता। कई बारी तो आपको आपके हैंड मूवमेंट रियलाइज नहीं होते हैं और आप देखते हैं तो यू रिटन लॉट्स। तो कई बार क्या होता है कि जो राइटर है अवेयर होता है, वो पूरी तरह से ट्रांस में नहीं होता है, अपने सराउंडिंग्स के बारे में जानता है और बस अपने राइटिंग हैंड के इंस्ट्रक्शंस को वो समझ नहीं पाता। हम कैसे समझते हैं, हमारा ब्रेन कनेक्टेड रहता है ना हमारे रिफ्लेक्सेस से, सारे आर्म से, लेग से। तो जब हमारा हाथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है या कोई अल्फाबेट बनाने लगता है, तो हम उसके मूवमेंट से ब्रेन को कोऑर्डिनेशन मिलता है कि ये अल्फाबेट बनने वाला है, एंड दैट इज व्हाट वी फॉर्म द पिक्चर इन आर माइंड। अब जब आप यही चीज ट्रांस स्टेट में दे रहे हो, तो ट्रांस स्टेट में क्या है, आपका लॉजिकल ब्रेन इज इनएक्टिव, आपका लॉजिकल ब्रेन उस समय नींद में है, तो आपका लॉजिकल ब्रेन इसके जवाब नहीं दे पाता। जब आप अल्फाबेट्स बनाते हो या आप राइटिंग लिखते हो, तो आपने क्या लिखा आपको भी नहीं पता लगता अंटिल एंड अनलेस यू डिकोडेड। नाउ ऑटोमेटिक राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ डिक्टेशन जो कि अनकॉन्शियस टाइम में होता है, जहां सिर्फ आपका हाथ सुन सकता है और लिख सकता है, आपको इसकी अवेयरनेस नहीं रहती। कई बारी होता है कि हमें फ्लैशेस आते हैं, हमें पिक्चर्स दिखती हैं, सपोज जैसे कई बारी कलर्स दिखते हैं, तो ये क्या है, ये फ्लैशेस आ रहे हैं। तो इसमें क्या है कि कोई और आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, आप सिर्फ वही लिख रहे हैं, वही सुन रहे हैं या वही देख रहे हैं जो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बता रहा है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप मेडिटेटिव स्टेट या ऑल्टर्ड स्टेट में जाएं।
हाँ जी तरुण जी, यू हैड रेस्ड योर हैंड, आई एम सॉरी, उस समय आई वॉज इन दैट फ्लो सो आई कुडंट अलाउ। मेरा यही मेरा यही क्वेश्चन था कि कभी कभी क्या होता है, हमारा दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं ऑलरेडी, राइट? और कहीं ऐसा तो नहीं होता ना कि जैसे जो चीज हम सोच रहे हैं वही हमारी राइटिंग में बनकर आ गई या निकल कर आ गई? तो बस वो आपने अभी समझाया कि हाँ जी, सो दिस इज द मॉडर्न आउटलुक टुवर्ड्स ऑटोमेटिक राइटिंग। अब ऑल्टर्ड स्टेट क्या है? मैं बार बार बोल रही हूँ, हम ट्रांस में जाएंगे, हम ऑल्टर्ड स्टेट में जाएंगे, तो ऑल्टर्ड स्टेट है क्या? ऑल्टर्ड स्टेट मेंटल वो स्टेट है जो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल मैन्यूवर्स या एजेंट्स हमें रिकग्नाइज करवाते हैं अलग अलग तरीके से। बट सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं, तो ऑल्टर्ड स्टेट वो मेडिटेटिव स्टेट है जिसमें आपको इतनी अवेयरनेस नहीं रहती। आपका ब्रेन जो है ना, टाइम टू टाइम आपको कुछ ना कुछ कहते रहता है। जैसे अभी भी जब आप मुझे सुन रहे हैं, तो आपका ब्रेन आपको कुछ ना कुछ बता रहा होगा। फॉर दोज हु हैव टू प्रिपेयर फूड, तो ब्रेन कह रहा होगा 6:30 हो गए, आज डिनर में ये बनाना है, ऐसे करना है। जो लोग ऑफिस से घर जाने वाले हैं, तो वो भी टाइम देख रहे होंगे, अब इतने बजे की बस पकड़नी है या इतने बजे की ट्रेन है, या अभी गाड़ी से चलेंगे तो इतना टाइम लग जाएगा घर पहुंचने में। सो वॉट इज दिस डूइंग? दिस ब्रेन, इट ऑलवेज ट्राइज टू प्ले विथ अस, इट ऑलवेज ट्राइज टू कंट्रोल अस। जब इस लॉजिकल ब्रेन को हम थोड़ी देर के लिए शांत करते हैं, तो तब हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन एक्टिव होता है। और सबकॉन्शियस ब्रेन हमारा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है व्हेन वी आर स्लीपिंग। कई मैसेजेस आपने देखा होगा, आपको नींद के द्वारा मिलते हैं और वो इवेंट एक्चुअली हो जाता है। सो दैट इज व्हेन योर सबकॉन्शियस इज एक्टिव। तो यहाँ पे क्या है कि आप ये मान के चलिए कि हम आपके लॉजिकल ब्रेन को थोड़ा सा आराम देंगे, एंड देन वील ट्राई एंड स्पीक टू आर सबकॉन्शियस माइंड। नाउ बेनिफिट्स क्या क्या हैं? ऑटोमेटिक राइटिंग क्यों करनी चाहिए? देखिए, आपको गाइडेंस मिल सकती है आपके खुद के हायर सेल्फ से, और क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप अपने क्या कहते हैं, पास्ट लाइफ को भी एक्सेस कर सकते हैं। सपोज कोई चैलेंज है या कोई रिपीटेड पैटर्न आप अपनी लाइफ में बार बार देखते हैं, तो ये रिपीटेड पैटर्न क्यों आ रहा है, कौन सा लाइफ का लेसन रह गया, या आप इस सिचुएशन में क्यों हैं, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड गाइडेंस मांग सकते हैं। कई लोग ऑटोमेटिक राइटिंग को फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए भी यूज करते हैं। जैसे आप फ्यूचर के लिए गाइडेंस मांगते हैं, तो यू गेट गाइडेड अबाउट इट, एंड देन यू कैन वर्क ऑन योर फ्यूचर अकॉर्डिंगली। नाउ ऑटोमेटिक राइटिंग करते समय क्या क्या फीलिंग होती है? एक तो फीलिंग आती है कि आप ऑल्टर्ड स्टेट में हैं या ट्रांस स्टेट में हैं, या आपको नींद सी आ रही है। कई बारी क्या होता है कि बहुत हैवीनेस लगती है, या कई बारी बहुत हल्का लगता है। आई रिमेम्बर व्हेन आई हैड डन ऑटोमेटिक राइटिंग व्हेन आई वाज एक्चुअली लर्निंग, तो जो मेडिटेशन वो लोग करा रहे थे, तो फर्स्ट मेडिटेशन आई स्लेप्ट, एंड व्हेन आई ओपन माय आईज आई आस्क्ड माय मेंटर कि सर मैं तो सो गई थी। तो ही हैड आंसर्ड वेरी नाइसली, ही सेड कि दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ गोइंग इन टू ट्रांस। कह रहे अब कैसा लग रहा है? आई वॉज लाइक आई एम फीलिंग फ्रेश, एकदम फ्रेश लग रहा है, एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। तो ही वॉज दैट यू हैड गॉन इन टू ट्रांस और वापस आप आए हो, तो आप हल्का महसूस कर रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो, तो ये बहुत पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड है। कई लोगों को ये सेंसेशन पर्टिकुलरली थर्ड आई चक्रा के पास महसूस होती है। कई लोगों को टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होती है, जैसे गुदगुदी सी हो रही है। कई लोगों को नमनेस महसूस होती है, जैसे
वो सुन्न हो गया या झुंझुनाहट हो रही है। कई लोगों को प्रिकिंग सेंसेशन महसूस होती है, स्पेशली पैरों में, हाथों में। फिर कई लोग अपने आसपास रोशनी देखते हैं, सो दैट इज ऑल्सो डन। फिर फ्लैशेस ऑफ स्पिरिचुअल लाइट, ये बताते हैं कि आप कनेक्ट कर गए हो अपने हायर सेल्फ से। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, कई लोग रोते हैं, स्पेशली व्हेन दे कनेक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सी, दिस हैज बीन माय पर्सनल एक्सपीरियंस आल्सो। लाइक जब मैं पहले अपनी सेक्रेट स्पेस में गई थी, सो आई हैड सो मच, वाज फिल्ड अप एक्चुअली, कि उस स्टेट में जाने के बाद व्हाट आई डिड वाज द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड वाज टीयर्स वर ऊजिंग आउट, दे वर रोलिंग डाउन माय आईज। तो उस समय कुछ शब्द नहीं थे बताने के लिए, बस ये था कि वहां से जब उस मेडिटेटिव स्टेट से वापस आई, तो आई रियलाइज्ड कि सेक्रेट स्पेस जो मैंने बनाई थी, एंड सिंस आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव इन माँ दुर्गा, तो वहां पे मैंने जो महसूस किया था कि एज इफ आई एम ऑन द लैप्स ऑफ माँ दुर्गा। और उस समय वो जो एक माँ और बच्चे के बीच का कनेक्शन होता है, उसमें आपको पता ही होगा सारे भाव अपने आप निकल जाते हैं, सब चीजें अपने आप निकल जाती हैं, यू डोंट एक्चुअली नीड वर्ड्स, स्पेशली जब आप अपने मदर के साथ होते हैं। तो दैट वाज द फीलिंग दैट आई हैड, एंड कंटिन्यूएशन में अपने आप जैसे खुशी के मारे आंसू निकल रहे, कोई भाव ऐसा था नहीं। और उसके बाद इतना हल्कापन लगा और इतना अच्छा अंदर से फील हो रहा था कि यस, एटलीस्ट आई वॉज एबल टू कनेक्ट। सो दैट इज अनदर सेंसेशन दैट यू माइट एक्सपीरियंस। काफी लोगों को ये भी रहता है। शशि जी, देखिए सेक्रेट स्पेस होता है, जैसे हमारे घरों में सेक्रेट स्पेस क्या है, हम जहाँ पे पूजा करते हैं, ऐसे ही हमारे मेडिटेशन का सेक्रेट स्पेस हम खुद बनाते हैं। वहाँ जिस भी ईश्वर के स्वरूप में आपका विश्वास है, आप उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं का पूजा अर्चना सब करते हैं, लेकिन वो मेडिटेशन के थ्रू करते हैं आप। सो दैट वील बी प्रैक्टिसिंग इन द प्रैक्टिकल सेशंस टू कम, राइट? तो दिस वाज जस्ट अ जिस्ट कि ऑटोमेटिक राइटिंग है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, एक्चुअली आपको फील कैसे होता है और क्या क्या चीजें होती हैं, राइट? और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इसमें जाने के लिए स्टेप वाइज वील बी प्रोसीडिंग। जैसे जब हम कनेक्ट करेंगे इन द क्लास, वील स्टार्ट बाय इंट्रोडक्शन ऑफ सम एंजल्स एंड आ चक्रास। चक्रास इसलिए क्योंकि चक्रास क्लेंस करने बहुत जरूरी हैं, ताकि हम अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर सकें। और एंजल्स इसलिए क्योंकि हम उनसे प्रोटेक्शन सीख करते हैं, गाइडेंस सीख करते हैं। तो ये दो चीजों के बारे में हम जानेंगे। नाउ लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस यू टू द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स एंड द डिटेल्स ऑफ द कोर्स। ऑल दोज हु वांट टू एनरोल मे एनरोल देमसेल्व्स। The course, as it says, it is starting from 28th of May. Class timings Tuesday and Thursday, शाम को 4:30 बजे से। एक महीने का कोर्स है, सारी जो क्लासेस रहेंगी जूम पे रहेंगी, जिसमें 8 से ज्यादा सेशंस होते हैं और आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं फॉर 2 ईयर्स। डाउट क्लियरिंग सेशंस ऑब्वियसली होते हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडीज वी विल बी डूइंग, अकेडमी मेंबरशिप बेनिफिट एंड सर्टिफिकेशन, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए डिस्काउंट्स चलते रहते हैं, एंड देन देर आर स्पेशल ऑफर्स ऑल्सो दैट कीप ऑन गोइंग। वील डू दैट ऑल्सो राजेंद्र जी। फिर रिपीट वंस इट इज फ्री, एक बार ही आप कोर्स रिपीट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। आपको नोट्स मिलेंगे और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन मिल जाएगा वंस द कोर्स इज डन। नाउ फॉर पेमेंट डिटेल्स
आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो आप शेयर कर सकते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम एनरोल होंगे हमारी एकेडमी के कोर्स में, उनके लिए फी आफ्टर डिस्काउंट इज 2107, और जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके लिए 1579। पेमेंट स्क्रीनशॉट जिन नंबर्स पे भेजना है वो आपके सामने है, और एडमिन नंबर्स भी आपके सामने स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। टिल देन आई वुड लाइक टू ओपन द सेशन। आप लोगों में से जिनको भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क। हाँ जी मीनाक्षी जी, मैम, फॉर एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट? आई मीन आई आपने हैव ऑलरेडी इस एनरोल्ड इन द अकेड कोर्स ऑन गुरुजी ज्ञान। हाँ, तो देन यू आर एन एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट, नो, ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, दैट इज द डिफरेंस। देखिए, जिनके लिए ये पहला कोर्स है उनके लिए फी स्ट्रक्चर जो है वो न्यू पार्टिसिपेंट वाला है, और जो लोग चाहे किसी भी कोर्स में एनरोल किया हो, चाहे किसी भी फैकल्टी के, इफ यू आर अ मेंबर, तो ये आपके लिए बेनिफिट होता है जो अकेडमी की ओर से आपको मिलता है। मैम टाइमिंग का इश्यू हो रहा है, लाइक 4:30 मैं वर्किंग हूँ तो मेरा तो ऑफिस रहता है, मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी शायद एक भी सेशन। आप क्या कर ये कर सकते हैं? सकते हैं, उसके लिए आप रिकॉर्डेड देख सकते हैं, लाइक जो भी हुआ, एंड वॉट एवर डाउट्स यू फेस यू कैन कनेक्ट विथ मी, एंड देन यू कैन क्लैरिफाई दैट। डाउट सेशंस पे व्हाटएवर यू हैव टोल्ड वो भी सब वीकडेज में, आई मीन सेम टाइमिंग पे ही नहीं है नहीं तो नहीं टाइमिंग का इश्यू। मीनाक्षी जी, ऐसे नहीं होता। ऐसे कई सारे वर्किंग पार्टिसिपेंट्स हैं जो लोग डाउट्स के लिए, व्हाट दे डू इज वो मेरे को पर्सनल वॉल पे मैसेज छोड़ देते, एंड देन आई गेट बैक टू देम। ओके मैम, इसके लिए कोई अट्यूनमेंट वगैरह भी है? ओके नहीं, नो अट्यूनमेंट इज रिक्वायर्ड। सो पूरा प्रोसेस सिंपली ये होगा कि आप कैसे, हाउ टू गो इनटू द ट्रांस स्टेट एंड हाउ टू कनेक्ट विद द मास्टर्स, ये पूरा प्रोसेस यस, आप। एंड देन होम टू चूज एंड होम नॉट टू चूज, दैट इज अनदर स्टेप। ओके एंड इन केस कोई नेगेटिव एनर्जी से हम कनेक्ट हो जाते हैं तो वी कैन, हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दैट, वो भी आप प्रोटेक्शन हाँ वगैरह भी जी बताओगे ना? हाँ जी। ओके मैम, थैंक राजेंद्र जी, यू। क्लास टाइमिंग 4:30 बजे से है ट्यूसडे और थर्सडे को, और यस मैम, पेटीएम इज पॉसिबल। नहीं, यहाँ पे दिस इज अ मिथ। हिप्नोटाइज नहीं करते मैम, वी आर नॉट हिप्नोटाइजिंग एनीवन। देखिए, ओके शिप्रा जी, ड्यूरेशन वुड बी अराउंड 1.5 to 2 hours। हाँ, आप अपने लिए भी बात कर रहे हैं, तो ट्रांस में देर आर सर्टन थिंग्स दैट वी कीप इन माइंड कि आप कब जा रहे हैं और कब आप आ रहे हैं। आप हिप्नोटाइज नहीं होंगे। मेरे बहुत सारे मेडिटेशंस हैं जो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स करते हैं, और मैं लाइव क्लास में ही कराती हूँ, अपने सामने ही मेडिटेशन कराती हूँ, एंड दोज आर जो मैं लाइव सेशन में जब लेती हूँ, दैट इज व्हाई आई सेड कि आई एम एबल टू सेंस द एनर्जीज, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन कहाँ जा रहा है। यस यू कैन डू। मैम आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिकल माइंड, क्या हम मेडिटेशन के थ्रू उसको कंट्रोल कर सकते हैं? आई मीन देखिए, मैं हो आपको पाएगा वो सिंपल चीज? सी एक बात बताऊं, मेडिटेशन एक ऐसा टूल है जिससे हम बहुत हद तक अपने ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने जो आजकल हम लोग ज्यादातर फेस करते हैं एंजाइटी, हाइपरटेंशन, इसको भी कर सकते हैं। मेडिटेशन की प्रैक्टिस रोज करना कंपलसरी नहीं है, क्लासेस में मैं करवाऊंगी, अगर आप उसे एक दो बार भी कर लेंगे तो आप इजिली कर पाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, हाँ मैम, दिस कोर्सेस नो यू सेड रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे तो रिकॉर्डिंग्स हम लैपटॉप में देख सकते हैं क्या? क्योंकि मेरा हाँ कुछ जी, का प्रॉब्लम है।
लैपटॉप आप में भी बिल्कुल देख देख सकते सकते हैं, हैं। अच्छा, आप लैपटॉप में भी देख सकते हैं, इजीली देख सकते हैं। वो बोल रही थी ना एक लेडी कि उनका लॉजिकल माइंड जा रहा है, तो मेरा भी यही प्रॉब्लम है। तो मेडिटेशन में आई फाइंड इट्स वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स। सो इज इट पॉसिबल फॉर मी टू गो इन टू मेडिटेशन स्टेट इन दिस कोर्स डेज, और इट विल टेक मोर टाइम लाइक? सी इट इज मैम, फॉर सम पीपल दे टेक लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू सम हु आर यूज टू इट। तो हम ओके, लोग क्यों स्क्रैच से कराते हैं और क्यों हम रेगुलर कराते हैं कि यू गेट अकस्टम टू इट, एंड आप उसके यूज टू हो जाएंगे तो आप कर पाएंगे उसे। आफ्टर दैट द रिकॉर्डिंग क्लासेस विल बी देयर नो, सो सीइंग दैट आल्सो आई कैन प्रैक्टिस मेडिटेशन अगेन नो इन द एब्सेंस। यस ओके, या बिल्कुल, आप इजीली कर सकते हैं। थैंक यू। तरुण जी, यस मैम। मैम मेरा क्वेश्चन नेगेटिव एंटिटीज को लेकर है, क्योंकि आजकल बहुत फ्रीक्वेंट है कि लोगों के साथ या तो नेगेटिव एंटिटी अटैच होती है या फिर घरों में नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स वगैरह फैमिली में भी और रिलेटिव में भी ये सब काफी फील करते हैं ये लोग, वो बताते हैं मुझे। एंड मोर ओवर मैंने भी नोटिस किया है कि जब मैं अपने रूम में होता हूँ तो मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद मेरे साथ या मेरे पीछे या मेरे आसपास कोई एंटिटी है, एक ब्लैक शेडो सी है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि अब इस तरह की जो एंटिटी हमें दिखती है तो अब हम क्या इनको कैसे रिलीज करें, मतलब गाइडेंस हम कैसे लें, किससे लें और क्या प्रोसेस रहता है इनका, देखिए, इनको हटाने गाइडेंस का। आप हायर हायर सेल्फ से ही लेंगे, और बाकी अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, व्हाट यू कैन डू इज एक ग्लास में पानी लीजिए और उसमें सॉल्ट डाइल्यूट करके उसे 24 आवर्स के लिए अपने घर के हर रूम में रख दीजिए। तो अगर वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है तो आप ग्लास के वॉल्स पे बबल्स देखेंगे, बहुत सारे बन गए। कुछ केसेस में इतना हाई हो जाता है कि वो बबल बन के ग्लास से गिरने लगता है, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स गिरती हैं, जैसे आपके कोल्ड ड्रिंक्स और सोडा गिरता है। सो दैट इज अ साइन के नेगेटिव एनर्जी है। सॉल्ट हैज अ कैपेसिटी ऑफ सोकिंग ऑल द नेगेटिव एनर्जी, सो प्लीज यूज सॉल्ट वाटर इन योर होम्स, और 24 घंटे बाद उस पानी को आप अपने सिंक में या वॉश बेसिन में ड्रेन करके रीफिल करके रख दें उसी जगह पे, अगर आपने नेगेटिव एनर्जी वहां पे सेंस की है तो। प्लीज डू इट फॉर 5 डेज एंड यू कैन फील द डिफरेंस। या दैट इज ओके, दैट इज ओके, बट वट इफ हमें हम उसको रिलीज करना चाहते हैं कि वो यहाँ क्यों है, कैसे जाएगी, ये इस तरह के मैसेजेस अगर हम चाहें तो वो तो आपको इजीली मिल जाएंगे, आपके हायर सेल्फ से ही मिल जाएंगे। अच्छा, ओके ठीक है। अच्छा वन लास्ट थिंग, सॉरी टू बॉदर यू, यहाँ एक एक और इमेज है जो मुझे समझ नहीं आ रही है, क्योंकि माता काली और भैरव जी तो क्लियर हो गए, बट देर इज वन मोर पिक्चर आई हैव मेड, तो कैन इफ आई कैन शो यू। यस, प्लीज टू शो मी। आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं। हियर इट इज, इफ यू सी, ये नीचे शायद एक छोटा सा टेडी बेयर टाइप का है कुछ, और ऊपर इसके एक एंजल्स है, ऐसा कुछ है, दिस इज ये बना है। हाँ ये तो मंकी लग रहा मे बी है। हाँ, मंकी और मुझे एक, भी ऐसे ही हुआ, वानर रूप प्रतीक हो रहे हैं ये तो नीचे, और ऊपर क्या है? ब्लैक मैजिक है मैडम ये। ऊपर तो सही नहीं है, हाँ ब्लैक मैजिक है नीचे का मैम, एक बारी ये फिर से साफ कर। दिख रहा है इनको, तभी तो वो इमेज दिख रही है ना इनके घर में। हाँ और ये माता काली और भैरव जो है, जो भी इनके ऊपर कर रहा है ब्लैक मैजिक कर रहा है, नो इट इसलिए हैज बीन इनको चीजें डन दिख रहा है। इयर्स अगो, ये काफी साल पहले हुआ है, आई गॉट टू नो, बट इट इज इट माइट बी स्टिल देयर, तो ये है तो सही तो कुछ वो कुछ। है, अभी भी है, क्योंकि तभी आपकी हाँ ऑरा हाँ में हाँ इतनी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी वो डिपिक कर रहा है। यू नीड ओके नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ टाइम यू विल बी एबल टू ओवरकम दिस ऑल्सो। अभी के लिए आप प्लीज सॉल्ट वाटर तो रखिए अपने घर के हर रूम में। ठीक है, ओके राइट, ये तो करिए प्लीज। थैंक यू।
कीर्ति जी, गेटिंग द रिकॉर्डिंग्स ऑफ द सेशन बिकॉज़ आई यस बिलीव यस समथिंग यू, वाज डन अर्लियर एंड आई मिस्ड अर्लियर हाफ एन आवर इनिशियल हाफ एन आवर आई मिस्ड सो यू विल बी गेटिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन ऑल्सो, डोंट वरी अबाउट दैट. So I can give it a try to connect and this automate or try to do the automatic writing which sir has done हाँ this जी, one he was saying. बिल्कुल, Okay ma'am, यू thank कैन. शशि जी. you. हेलो मैम. हाँ जी, मैम ये जो प्रोसेस है जो हम लोग करने बैठेंगे और वो ट्रांस मोड में जाएंगे तो मान लीजिए उसमें काफी समय लगेगा, तो अगर इन केस अगर घर पे हैं तो कोई अगर जैसे कोई बुला दिया या फिर उठ के जाना पड़े तो क्या हम इसे बीच में ही स्टॉप करके जा सकते हैं या वो पूरा प्रोसेस होने के बाद ही उठना है? नहीं, देखिए, मेडिटेशन बहुत लंबा मेडिटेशन नहीं होगा. मेडिटेशन आपका मैक्सिमम, आप मान के चलिए, इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो 10 मिनट से 15 मिनट का होता है, क्योंकि उससे पहले वी प्रिपेयर यू फॉर द प्रोसेस, राइट? तो अभी तो छोटे छोटे मेडिटेशन से स्टार्ट करेंगे. हाँ, जिस दिन प्रैक्टिकल सेशन होगा उस दिन हम आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं कि आप इतने टाइम के लिए ये रिक्वेस्ट कर दें कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे. तो आप या तो तब कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप रिकॉर्डिंग के थ्रू जब आप फ्री हो आप तब इसको प्रैक्टिस करके मुझे बता सकते हैं. तो मैम ये रात और दिन कभी भी हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि ये मॉर्निंग में ही करना है या हम लेट नाइट भी कर सकते हैं इसको? देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं पोस्ट सनसेट रेकमेंड नहीं करूंगी अभी आप लोगों को. रीजन बीइंग, आप लोगों में से काफी लोग नए हैं इस फील्ड के लिए, तो कोशिश कीजिए कि आप दिन के टाइम पे इसको करें, ठीक है? फिर जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस फर्म होती जाएगी, आपकी वाइब्रेशंस ऊंची होती जाएंगी, वैसे वैसे आप इसे कभी भी कर सकते हैं फिर. और मैम जैसे अभी एक तरुण जो भी है वो बता रहे थे कि उनके अराउंड नेगेटिव एनर्जी है, तो मुझे लगता है बहुतों के अराउंड होगी, तो मैम जब हम ये प्रोसेस कर रहे होंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं करेगी ना, मतलब ये चीज करने में? तभी तो पहले प्रोटेक्शन में जाना है, ओके, प्रोटेक्शन लेने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? तभी तो मैं क्यों आपको इतना कह रही हूं कि पहले आपके चक्रास क्लेंज होंगे, फिर आप प्रोटेक्शन में जाएंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे. बिकॉज आई नो काफी लोग ईगर होते हैं कि मैम आप जल्दी करा दो, हमारा अभी तक चालू क्यों नहीं हुआ. बट देन देर इज अ नीड टू अंडरस्टैंड कि स्टेप वाइज ही होगा. जब हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हैं जहां सब लोग कनेक्टेड हैं, हर तरीके के लोग हैं, सो वी गो स्टेप वाइज कि सबके लिए वो यूजफुल हो. जी मैम. और मैम जो सॉल्ट वाटर वाला आपने बताया वो हर देखिए, एक रूम में एक एक ग्लास रखना है, वो कांच का ग्लास होगा या फिर नॉर्मल स्टील का ग्लास होगा? कांच के ग्लास में आप बबल्स इजीली देख पाएंगे, नॉर्मल स्टील के ग्लास में आप देख नहीं पाएंगे, तो आपको पता नहीं चल पाएगा, तो प्रेफरेबली कांच का रखें. मैम 5 डेज करने पर इससे नेगेटिविटी में कुछ तो दिखेगा ना डिफरेंस? आपको डिफरेंस अपने आसपास ही महसूस होने लग जाएगा, उसके जी, बाद आप बता सकते हैं. रॉ सॉल्ट या नॉर्मल सॉल्ट अपन जो खाने में यूज कर रहे हैं? नॉर्मल सॉल्ट भी रख सकते हैं, नहीं तो सेंधा नमक बेस्ट यूज में होता है. मैम मुझे ये भी पूछना है, अभी जैसे हम और भी जो गुरुजी ज्ञान की क्लासेस है टैरोट की और ये सब अटेंड कर रहे हैं और हम आपकी एक भी क्लास छोड़ना नहीं चाहते हैं, और आज जब ये सेशन अटेंड कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है हम, बट जैसे बोलते ना कि माइंड में इतनी कैपेसिटी पिटी नहीं है कि हम इतना कुछ एक साथ एब्जॉर्ब कर लें, तो क्या ये सेशन दोबारा चलेगा? मतलब कि हम भले मतलब 2-3 महीने बाद फिर इसको कर पाए, क्योंकि उतना हम एब्जॉर्ब ही तो कर देखिए, पाए, अगर क्लासेस अटेंड करने से तो कोई सेंस नहीं है कि खाली बैठ जाए हर बार. 2-3 महीने बाद तो नहीं चलेगा. हाँ, इट टेक्स अराउंड अ ईयर फॉर अ कोर्स टू बी रिपीटेड. कम ओके से कम 1 साल लगता है, बिकॉज बहुत सारे कोर्सेज होते हैं और कई कोर्सेज आपने खुद देखा है कि 2-2 महीने के भी हैं. तो जब हम पूरा कैलकुलेशन होता है एकेडमी में, तो बारी एक कोर्स की लगभग साल के बाद आती है. अभी हम कर ले, नेक्स्ट ईयर जो रहेगा तो हम रिपीट करेंगे विदाउट एनी चार्जेस, हाँ, ऐसा? यस, दैट वुड बी देयर, कि तब आपका वो प्रैक्टिस हो जाएगी. ओके मैम,
और इनके क्लासेस जैसे ये 1 1 मंथ का कोर्स, मतलब लगभग 4 या 5 क्लासेस होंगी हमारी अप्रोक्स, जो दो आठ दो आठ घंटे का, आठ आठ या क्लास। 9 होंगी, मतलब 8 तो मैं खुद ही बोल रही हूँ, ज्यादा ही हो जाती है, 9-10 9 या 10 हो क्लासेस हो जाती है, जाती। इजीली हाँ जी, हो हो जाती। जाती है। ओके मैम, ओके थैंक यू। ठीक है, ओके। मैम एक और चीज, अभी जैसे अभी एक सर ने बताया था अभी कि उनके आसपास उनको कुछ अराउंड एनर्जीज महसूस होती हैं। हमें तो पता ही है कि हमारी दादी सास हमारे साथ ही रहती है। मतलब अराउंड वो 83 84 या मतलब के आसपास कुछ उनके डेथ हो चुकी हैं, बट स्टिल अभी भी घर में हम कुछ पूजा कर रहे हैं या कुछ भी रहता है तो एक हमें, इवन मैं जो मॉर्निंग मेडिटेशन करती हूँ अपना 4:30 5 बजे, तब कई बार मुझे महसूस हुआ है इवन राइट नाउ मेरे सारे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मतलब वो साथ में रहती ही है हमारे, तो कुछ ऐसा कोई गलत इफेक्ट तो नहीं आएगा इस चीज का, क्योंकि नहीं, वो हमें आशीर्वाद ही उन्होंने देती है, कभी गलत तरीके से नहीं रहती हैं, ऑलवेज वो ब्लेसिंग्स ही मिलती है हमें उनकी। जब भी हम पूजा करने बैठे हमें महसूस होता है कि हाँ दादी खड़ी हैं, या मैंने तो घर कभी देखा नहीं क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बहुत छोटे थे जब उनकी डेथ हुई, और फोटो वगैरह भी उतना कुछ उनका नहीं है क्लियर, बट हाँ इतना पता है कि हाँ कुछ दुबली पतली सी एक लेडी है, साड़ी पहनी है, ऐसा है, तो वो हमें महसूस होता है कि हमारे आसपास हैं, बट वो हमेशा अच्छा ही हमारे लिए करती है, हमें ब्लेसिंग्स ही देती है ऑलवेज, तो हम उससे फर्क नहीं मतलब पड़ेगा। ओके, क्योंकि जो नमक वगैरह रखेंगे तो उससे भी वो नमक तो उनको भी अट्रैक्ट करेगा ना। देखिए, नहीं, नेगेटिव एनर्जी है क्या? मैंने क्या बोला? नमक नेगेटिव एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है। अभी आपने खुद ही बोला कि वो नेगेटिव नहीं है, तो उन्हें कैसे अब्सॉर्ब करेगा? ओके ठीक है जी, राइट। आप लोगों में से जितने लोगों ने ये स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, एक बार ही ले लीजिए, सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर यू टू कनेक्ट। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड के हमारी नेक्स्ट क्लास, जो कि 28 को स्केड्यूल्ड है, तो नेक्स्ट क्लास में हम सभी कनेक्टेड होंगे वापस से। सो टिल देन आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू। टैरो क्लास के लिए आपको एक बारी एडमिन टीम से कनेक्ट करना होगा कि अब नेक्स्ट कब शुरू होगी। राइट। मैम हम फीस 2 दिन हाँ बाद जी, पे कर सकते हैं इसकी? आप उसके लिए एडमिन टीम से बात कर लीजिए। हाँ जी, नंबर आपका क्वेश्चन ये था कि इससे क्या नंबर जो आपके स्क्रीन पे ये फ्लैश हो रहे हैं, यही नंबर्स हैं, और राइट ये है, सॉरी, ये वाला और ये वाला। हाँ जी, आपने बोला था कि इससे क्या कहते हैं, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस किए जा सकते हैं। हाँ जी, आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस किए जा सकते हैं, बट वो कब होता है? जब इसी स्टेट में हम इन डेप्थ काफी प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, उसके बाद आता है कि हम आकाशिक रिकॉर्ड एक्सेस कर पाते हैं। राइट। क्योंकि उसके लिए भी हमें रिकॉर्ड कीपर की परमिशन चाहिए होती है, एंड देन वी आर एबल टू एक्सेस द रिकॉर्ड्स। देखिए, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी आई वुड आस्क यू टू अवॉइड ऑटोमेटिक राइटिंग, क्योंकि ट्रांस में आप जाते हैं, तो मैं उस चीज के लिए आई वोंट अग्री। आकाशिक रिकॉर्ड का देखिए, हम लोगों ने टैरो के थ्रू किया था, वी आर डन आकाशिक टैरो, बाकी आप एक बार एकेडमी से पता कर लेंगे। राइट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन फॉर कनेक्टिंग, एंड होप टू सी यू इन द अपकमिंग सेशंस। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू।
थैंक यू।